गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर वंस अगेन फ्रॉम स्टार्टिंग। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब समझना है। बेटा, कल भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब है कि जब हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, वो अपने आप शुरू हो जाता है। तो उस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करते हैं, और फिर उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी को हम एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराने में यूज करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको समझने के लिए। आपको अपने घर में थर्ड फ्लोर पे, फोर्थ फ्लोर पे पानी, वाटर सप्लाई करनी है। आप क्या करते हो? आप पाइप्स लगाते हो, नीचे मोटर लगाते हो, मोटर का स्विच ऑन करते हो और मोटर वो प्रेशर लगाता है और पानी ऊपर चला जाता है। तो जो हम इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो पानी अपने आप ऊपर नहीं चढ़ेगा। इसीलिए आपने मोटर का यूज़ किया, फोर्स लगी और पानी ऊपर चला गया, तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। ऐसे ही हम इन्वर्टर जो यूज़ करते हैं, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, जब हमारे यहाँ करंट आया होता है, तो क्या होता है कि उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो उसको सेव कर रही होती हैं इन द फॉर्म ऑफ, मतलब केमिकल चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस आ रहे होते हैं और हमारा इन्वर्टर चार्ज होता है। लेकिन जैसे ही लाइट, जो हमारा करंट है, वो चला जाता है, शट डाउन होता है, फिर से वही रिएक्शन जो है, जो हम अभी फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़ रहे थे, वही रिएक्शन बैकवर्ड में होती है डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से जो हमारा करंट है वो फिर से हमें मिलने लगता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि केमिकल एनर्जी स्टोर की, और फिर उस केमिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके और हमने एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करा लिया। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की इन विच वी डील्स और इन विच वी स्टोर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एंड दैट स्टोर्ड एनर्जी इज यूज टू कैरीड आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो एनर्जी रिलीज हुई वो हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में को कराने में यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बहुत तरह के सेल आपने पहले भी पढ़े हैं, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है डेनियल सेल के बारे में, वोल्टेइक सेल के बारे में। बेसिकली यहाँ पर हम दो तरह के सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और बेटा एक होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखिए। द सेल इन विच केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी जो है आपकी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल डेनियल सेल एंड वोल्टेइक सेल। अब ये जो दोनों सेल्स के एग्जाम्पल दिए हैं, गैल्वेनिक सेल्स भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ही एग्जाम्पल होते हैं, गैल्वेनिक सेल डेनियल सेल का ही दूसरा नाम है। सो बेटा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं उनमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से जो केमिकल चेंजेस आएंगे वो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब क्या हुआ कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पर बेस्ड होते हैं, अपने आप काम करते हैं, और उसकी एनर्जी को हम सिर्फ उसको अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको, मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। व्हेन टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज, देन इट फॉर्म्स वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बस अब हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, हाफ सेल क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बने। मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाती हूँ वॉट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब आप जरा ध्यान से देखिए ना, डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला बीकर है, हमने ये एक बीकर लिया, हमने ये एक बीकर लिया। कल मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में भी समझाया था, उससे रिलेटेड वर्क भी मैंने कल आपको दिया था कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के जो क्वेश्चन है 11th की बुक के, वो सॉल्व करने हैं। सो यहाँ पर हमारे दो सेल्स हैं, एक जिसमें ये रिएक्शन कैरिड आउट हो रही है, ये हमारा जिंक का रॉड है जिसको हमने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डिप किया है।
यहाँ पर हमने कॉपर का रॉड लिया है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने उसको डिप किया है। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है और हमने इनको एक्सटर्नली वायर्स के थ्रू कनेक्ट भी किया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हुआ, हाफ सेल की जो बात मैंने की वो ये एक हाफ सेल ये है, एक हाफ सेल ये है। क्योंकि जब भी हम कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हमारे दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं। पहला प्रोसेस जो है हमारा वो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा प्रोसेस जो है वो हमारा रिडक्शन होता है। तो एक वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक वो बीकर या प्रोसेस जिसमें रिडक्शन हो रहा है। हमने दोनों को सेपरेट किया है, अलग अलग बीकर्स में लिया है, एक एक सेल बनाया है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड हाफ सेल। तो यहाँ पर एक हाफ सेल ये है और एक हाफ सेल आपका ये है। अब क्वेश्चन आता है, वॉट इज दिस सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज क्यों है? सॉल्ट ब्रिज बेसिकली जो लगाया जाता है वो हाफ सेल, जब हम दो अलग अलग कंपार्टमेंट लेकर हाफ हाफ सेल बनाकर उसको एक कंबाइंड सेल बनाते हैं तब हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। अगर हमने ये दोनों सेटअप एक ही बीकर में किए होते, एक नॉर्मल एक जनरल हम इलेक्ट्रोलाइट लेते, सपोज सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते H2SO4, और उसमें हम दोनों जिंक रॉड भी और कॉपर रॉड भी दोनों एक साथ सस्पेंड कर देते तो वहां पर हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हम हाफ सेल्स अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट में फ्रेम करते हैं, तब हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द नीड ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्यों है? सॉल्ट ब्रिज के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये बनता कैसे। हम एक यू ट्यूब लेते हैं, उस यू ट्यूब में कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकता है, KCl, आपका KNO3 हो सकता है, उसको हम अगार अगार सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद उसके जो ये दोनों एंड्स हैं वो कॉटन प्लग से इंसुलेट करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखनी है हमें, हमें इसको परमानेंटली इंसुलेट नहीं करना। ये जो हमारा कॉटन प्लग है इससे आयंस का मूवमेंट होता रहता है, इसीलिए हम कॉटन प्लग का यूज़ करते हैं। अब हमारा ये एक यू ट्यूब में सॉल्ट ब्रिज तैयार हो गया और हम इसको इन्वर्टेड करके दोनों हाफ सेल्स के साथ सेटअप लगा देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हम इसको यूज क्यों करते हैं, वॉट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और अगर हम सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं करेंगे तो हमारे सेल्फ में क्या प्रॉब्लम आएगी? तो यू कैन सी द यूजेज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, दीज आर द थ्री मेन यूजेज ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बेसिकली इट इज यूज टू कनेक्ट टू हाफ सेल एंड मेक वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हम यूज करते हैं दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करने के लिए और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कंप्लीट बनाने के लिए। इट प्रिवेंट द इंटरमिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टू हाफ सेल्स, जो टू हाफ सेल्स की इंटरमिक्सिंग होती इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि हमने एक कंपार्टमेंट में ZnSO4 लिया है, दूसरे कंपार्टमेंट में हमने CuSO4 लिया है, उनकी इंटरमिक्सिंग को रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एंड इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी ऑफ द सेल, और ये सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी को भी बनाए रखता है। इसके साथ साथ इट इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन द मेन रिएक्शन ऑफ द सेल, जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसकी जो मेन रिएक्शन बेसिकली हो रही है ये उसमें भी अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ये उसमें भी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाता, इसका कोई रोल नहीं होता। इसका रोल कितना है मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। इसका रोल क्या है कि जब हमारे सेल कनेक्ट होते हैं स्टार्टिंग में रिएक्शन प्रॉपर चल रही होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो ये किसमें टूटता है, Zn+2 एंड SO4 2 नेगेटिव। इट इज एनोड, ये एनोड है और ये है कैथोड। अब एनोड एंड कैथोड का जो क्राइटेरिया है, लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस्ड लोन, LON, कैपिटल में लिख लीजिए लोन, LON। लोन मीन्स लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, मतलब लेफ्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड में हम जो भी कंपार्टमेंट हाफ सेल कर लेंगे वो लेफ्ट में रखेंगे जिसमें एनोड होगा एंड ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज याद रखिए, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो यू रिमेंबर दिस थिंग विद द दिस फॉर्मूला, दैट इज LON। नाउ अब स्टार्टिंग हुई रिएक्शन की, धीरे धीरे क्या होता है, अब यहाँ पर जो जिंक के आयन्स हैं वो जो हमारी रॉड है इसमें से जिंक के जो सॉलिड जिंक है वो यहाँ आएगा, वो जिंक आयन्स में टूटेगा और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन में जो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन लेगा जो जिंक ने रिलीज किए हैं और
कॉपर की जो प्लेट है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा। ये प्रोसेस चलेगा, थोड़े समय तक ये प्रोसेस प्रॉपर चलेगा। बाहर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और अंदर से आयंस का मूवमेंट होता है। अब यहाँ पर हमने केसीएल लिया था, ये जो सॉल्यूशन है मेरा ये ज्यादातर जिंक पॉजिटिव से भरा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का डोमिनेंस है, तो जो मेरे सॉल्ट ब्रिज के जो यू ट्यूब थी उसमें जो निगेटिव आयंस हैं वो इधर आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाने के लिए, और जो पॉजिटिव आयंस है क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर के पॉजिटिव आयंस इस वाले एंड पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है। और जब आउटर जो हमारा कनेक्शन है, जब वहां से करंट फ्लो होनी बंद हो जाती है, इंटरनली आयंस का मूवमेंट होता रहता है और सेल में कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का ये बेसिक फंक्शन है जिसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ सेल का रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ आया होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? जो अपने आप काम करता है, जिसमें कि हम जो केमिकल एनर्जी के थ्रू चेंजेस आते हैं उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हुआ, हमने उसकी एनर्जी को स्टोर कर लिया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि 10th में भी इवन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में, कि हम एक लेस रिएक्टिव मेटल की जो कोटिंग है वो मोर रिएक्टिव मेटल पर करते हैं, वहां पर हम इस स्टोर्ड एनर्जी का यूज करते हैं, दैट इज यूज इन दैट प्रोसेस। सो दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर में हम बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ेंगे, लेकिन मेनली जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक इतना टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब हमें पेपर में बहुत बार पूछा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन, हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बेटा ये बेसिकली फॉर्मूला है जिससे हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमें बस एक थोड़ा सा चेंज और करना है, एनोड। हमारा जो भी पार्ट रिएक्शन में, हम दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड बनाएगा एक कैथोड बनाएगा, तो जो एनोड बनाएगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर एक स्लैश लगाएंगे, फिर हम उसका इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड इन द सेंस मतलब हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे जो उसका सॉल्यूशन में, और यहाँ पर हम एक चीज और मेंशन करेंगे उसकी कंसंट्रेशन टर्म स्मॉल ब्रैकेट्स में, फिर हम डबल, ये इस तरीके से नहीं, बेसिकली हम स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, तो वो सॉल्ट ब्रिज का साइन है, दिस इज द साइन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कैथोड पहले लिखेंगे, इसके बाद यहीं पर ब्रैकेट में हम उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे और फिर एक स्लैश लगाते हुए कैथोड लिखेंगे। अब अभी हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा उसमें जिंक और कॉपर का रिएक्शन हो रहा था। ओवरऑल रिएक्शन ये था, जिंक इज गोइंग अंडर ऑक्सीडेशन एंड कॉपर इज गोइंग अंडर रिडक्शन। तो पहले एनोड हमें पता है जिंक का बना है, जिंक का जो सॉल्यूशन फॉर्म है वो ये है, कॉपर का सॉल्यूशन फॉर्म ये है कैथोड है, और इसका जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज कॉपर। तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे, जिंक सॉलिड Zn+2 एक्वस, और यहां पर अगर आपको कंसंट्रेशन दी हुई है क्वेश्चन में तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, 0.011, 1.m, जिस भी यूनिट में वो दी हुई है, मोलारिटी में दी होगी बेसिकली, तो वो मेंशन करेंगे। दीज टू लाइंस रिप्रेजेंट्स व्हाट, सॉल्ट ब्रिज, यस। देन कॉपर के आयंस आएंगे एक्वस, और यहां पर उसकी कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, अगेन कॉपर एंड इट इज इन सॉलिड फॉर्म। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, ये रिप्रेजेंटेशन है सेल का, और सेल का जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके बुक में भी दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा, और आज मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस का एक जो शीट है प्रैक्टिस शीट वो मैं आपको भेजूंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।